जिला के नैनीहालों को शीघ्र ही बेहतरीन पोषाहार देने की तैयारी की जा रही है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में नया डाइट चार्ट शुरू किया जा रहा है। अब बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पनीर व अंडा दिया जाएगा। प्रयोगात्मक तौर पर 3 जिलों में शुरू की गई अंडा व पनीर देने की योजना अब प्रदेश भर में शुरू की जा रही है। जिला के आंगनवाड़ी केंद्रों में शीघ्र ही खिचड़ी की जगह हफ्ते में एक बार चावल के साथ अंडा व पनीर करी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। अंडा व पनीर करी पहले प्रयोगात्मक तौर पर प्रदेश के 3 जिलों सोलन, मशोबरा व रामपुर और देहरा में शुरू किए गए थे। पनीर करी के इन प्रोजेक्टों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसके चलते प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू की जा रही है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उनके लिए पनीर करी बनाई जाएगी व जो बच्चे अंडा खाते हैं उनके लिए अंडा करी बनाई जाएगी। जिला में पोहा शुरू करने पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। बच्चों के अभिभावक अगर अंडा करी के लिए मंजूरी देते हैं तो आंगनवाड़ी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी पंचायत द्वारा अंडा करी भी शुरू की जाएगी। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा करी शुरू की जाएगी वहां मेन्यू में अंडा शुरू करने का महत्व और उसका न्यूट्रिशन मूल्य लिखना होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे में विद्यमान न्यूट्रिशन तत्व प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि अंडा आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाने के महत्व की जानकारी सबको दी जा सके। साथ ही खाने की जांच के लिए समय समय पर विभाग सुपरवाइजर व अन्य माध्यमों से निरीक्षण किया जाएगा। पनीर करी के लिए स्केल निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम चावल, सोया बड़ी 4 ग्राम पनीर करी के लिए स्केल निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम चावल, सोया बड़ी 4 ग्राम पनीर 11 ग्राम, प्याज टमाटर 50 पैसे, मसाला 25 पैसे व तेल 10 ग्राम इत्यादि शामिल है तथा सुबह के स्नैक्स के तौर पर न्यूट्रीमिक्स दिया जाएगा। अंडा करी में प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम चावल, आधा अंडा, प्याज टमाटर, तेल ग्राम इत्यादि शामिल है तथा सुबह के स्नैक्स के तौर पर न्यूट्रीमिक्स दिया जाएगा। साथ ही खाना बनाते समय सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। अंडे उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वे ताजे हों ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।